गाइस, आज का जो टाइटल है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ एक हेयर रिमूवल स्प्रे और एक हेयर रिमूवल क्रीम का डिफरेंस। कौन सा प्रोडक्ट मुझे यूज करना चाहिए, कौन सा ब्रांड मुझे यूज करना चाहिए, भैया हेयर रिमूवल स्प्रे अच्छा होता है या हेयर रिमूवल क्रीम अच्छा होता है, किसको लगाने के बाद मुझे जलन एकदम नहीं होगा और किसको लगाने के बाद मेरे बाल थोड़े कम आना शुरू होंगे, डीले होगा मेरे बालों का ग्रोथ। सो गाइस, ये सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा आज आपको बताया जाए कि मेरा प्रेफरेंस कौन सा होगा, एक हेयर रिमूवल स्प्रे या फिर एक हेयर रिमूवल क्रीम। गाइस, मेरा जो फेवरेट ब्रांड है, आप सबको पता होगा जो लोग मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं कि नायर मेरा फेवरेट ब्रांड है हेयर रिमूवल कैटेगरी में। गाइस, मैंने आज लिया है नायर का ये शावर पावर वर्क्स वाइल यू शावर कोकोनट ऑयल एनरिच्ड हेयर रिमूवल क्रीम और ये नायर का ही लेमन फ्रेग्रेंस हेयर रिमूवल स्प्रे। स्प्रे फॉर्म में आता है और ये क्रीम फॉर्म में आता है। दोनों को मैं यूज करूंगा अपने बॉडी पे और मैं आपको बताऊंगा दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और एक चीज, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, नायर ने मुझे कभी भी किसी भी वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं दिया है, स्पॉन्सरशिप नहीं दिया है, मैंने खुद अपने पैसे देके बाई किया है। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज गाइस डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो गाइस, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये मेरे पैरों के बालों का वीडियो है, यहाँ कितने ज्यादा घने बाल है मेरे पैरों में और इसे मैं नायर का ये हेयर रिमूवल स्प्रे विद लेमन फ्रेग्रेंस यूज करके निकालूंगा। सबसे पहले गाइस, आपके पैरों में कोई भी पिंपल, दाग, रैश नहीं होना चाहिए। अगर आपका कहीं पे भी कोई कट मार्क है, कट गया है, मान लीजिए रिसेंटली कटा हुआ है, खून निकला है या फिर बैंडेड है, तब आप बिल्कुल मत यूज करिए कोई भी स्प्रे, कोई भी क्रीम आपको कटे हुए जगह पे नहीं लगाना है। जब ठीक हो जाए तब लगाइएगा, कोई भी पिंपल है वहां मत लगाइएगा। गीला है अगर आपका पैर तो मत यूज करिएगा, बिल्कुल ड्राई स्किन में आपको लगाना है ये हेयर रिमूवल स्प्रे। गाइस देखिए, स्प्रे लगाना बहुत आसान है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं वैसे ही आपको लगाना है और फिर आपको ये 4 से 5 मिनट तक छोड़ देना है। 4 से 5 मिनट बाद ही आप देखिएगा कि आपके बाल आराम से निकल रहे हैं। एक वेट वाइप्स की मदद से मैं पूरे बालों को निकाल दूंगा। देखिए, सारे बाल मेरे निकल चुके हैं, जहां जहां ये स्प्रे गया वहां वहां से बाल निकल चुके हैं, लेकिन यहां पे कुछ एक दो प्रॉब्लम्स भी हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। गाइस, सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो ये स्प्रे का है वो है इसमें कोई गंदी बदबू नहीं आती है, प्लस रेडनेस, इचीनेस या फिर रैश आना इसमें वैसा कुछ भी नहीं होगा, बाल 100% रिमूव होंगे। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं गाइस, इस पे ना कंट्रोल नहीं होता है, आपने स्प्रे किया लेकिन ज्यादा अमाउंट निकल जाता है, कभी भी कंट्रोल्ड वे में स्प्रे नहीं होता है कि आपको जहां जरूरत है वहीं गया। देखिए कितना ज्यादा मेस हो रखा है, मैंने अपने पैरों पे लगाया लेकिन पूरे फ्लोर में ये फैल गया और उसके बाद आपको पूरा फ्लोर भी साफ करना पड़ता है। अब तो और आपका जो ये प्रोडक्ट है, ये स्प्रे है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जब आप स्प्रे करते हैं और पैरों के एरिया, हाथों के एरिया आप ज़्यादा कंट्रोल में स्प्रे कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ये कोई गोल या फिर रेक्टेंगल नहीं है कि आप इसे एक मात्रा में यूज़ कर पाएं। अगर आप चेस्ट के बालों को रिमूव कर रहे हैं तो फिर भी आप एक स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथों और पैरों के बालों को रिमूव कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। गाइस, अब हम बात करने वाले हैं नायर का ये कोकोनट ऑयल एनरिच्ड हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में, जो क्लेम करता है कि ये शावर पे भी आपके बालों को रिमूव कर सकता है। गाइस, हेयर रिमूवल क्रीम कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है जो सबसे पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद स्प्रे आया था, तो स्प्रे अभी कन्वीनियंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। नायर का ये क्रीम को मैंने अपने चेस्ट एरिया पे इस्तेमाल किया है। गाइस, आप देख सकते हैं मेरे चेस्ट में अच्छे खासे बाल हैं, यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो अच्छा खासा अमाउंट लेना है और अपने पूरे चेस्ट एरिया के बालों में इस तरह से फैला देना है। देखिएगा कि आपका हर एक बाल कवर हो जाए। बहुत लोग ना बहुत कम क्वांटिटी यूज करते हैं, ये सोचे कि खत्म हो जाएगा और उसके बाद सही रिजल्ट नहीं आता है, फिर कमेंट करते हैं कि भैया आपने ये प्रोडक्ट बोला था, मैंने यूज किया लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। ऐसा नहीं है गाइज, मैं हमेशा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं तभी आपको फीडबैक देता हूं, तभी आपको मैं रिव्यू ला के देता हूं। अगर मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बोला है कि वो बालों को रिमूव करता है तो गाइज वो रिमूव करता है, कोई फेक वीडियोस में यहाँ पे प्लीज नहीं बनाता हूँ। शावर पे आपको बाद में इस्तेमाल करना है, ये गलती मैंने कर दिया था, आप देख सकते हैं मैंने लगाया और मैं शावर पे चला गया और मेरे बाल बहुत हल्के निकले हैं। देखिए
कितने ज़्यादा बाल रह गए हैं, बिकॉज मैंने इमीडिएटली लगाया और जहाँ इस बॉटल में मैंने देखा कि शावर पे यूज़ कर सकते हैं, मैंने लगाया और मैं शावर पे चला गया। तो गाइज इससे आपका जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो आप प्रोडक्ट को दोष देंगे, लेकिन प्रोडक्ट आपका अच्छा है, आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका है कि आपने ड्राई बॉडी पे नहाने से पहले ड्राई स्किन पे इसे इस्तेमाल किया और इसे लगाया और एक मिनट तक रख दिया और एक मिनट बाद आप शावर आप नहाने गए, लेकिन डायरेक्टली उस जगह पे आपने शावर नहीं दिया, पानी से उस जगह को नहीं धोया, वहां पे भी आपको 3 मिनट तक रखना है। अगर आप बाल्टी और मग से नहा रहे हैं तो प्लीज 3 मिनट तक उस क्रीम को लगा रहने दीजिएगा, पानी गिरे लेकिन डायरेक्ट पानी ना गिरे कि एकदम ही वो धुल जाए। तो 3 मिनट रखने के बाद आपको दिख जाएगा कि आपके बाल आराम से निकल जाएंगे। गाइस मैंने जो गलती की प्लीज आप मत करिएगा। एडवांटेजेस के बारे में बात करें, बेनिफिट क्या क्या आपको ये देता है, आपके बॉडी से 100% बालों को निकालता है। सेकंड, इसमें भी कोई भी रेडनेस रैश कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज नाया के प्रोडक्ट्स में इतने माइल्ड इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं और वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो इसीलिए नंबर 1 है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत माइल्ड होते हैं और स्किन के लिए बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। डिसएडवांटेजेस के बारे में अब बात करते हैं। आपको ये हाथ से लगाना होता है, में जब आप इस क्रीम को थोड़ा लंबा रख देते हैं तो आपके नेल्स थोड़े सौगी से हो जाते हैं, जैसे आपने लगाया वैसे अपने हाथों को वॉश कर लिया, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपको हाथ लगाना पड़ता है जब भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एडवांटेजेस में एक और चीज है कि ये आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट आपका लंबा चलेगा, एक स्प्रे के मुकाबले एक क्रीम ज्यादा लंबा चलेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एक स्प्रे में तो ध्यान रखिएगा कि आप ज्यादा स्पिलओवर होगा, वेस्टेज ज्यादा होगा और आपको बार बार बाय करना पड़ सकता है स्प्रे। लेकिन अगर आप एक क्रीम लेते हैं तो आप हाथों में थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, लेकिन हाथ अगर आपने जल्दी धो दिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके नेल्स को, और वैसे भी आपके नेल्स को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एक दिन थोड़े से सौगी सौगी से लगेंगे आपके नेल्स, पर एक दिन बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन ये आपका लंबा चलने वाला है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ क्रीम ओवर अ स्प्रे। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्प्रेस के रिव्यूज भी किए हैं, यस मुझे अच्छा लगता है स्प्रे, बिकॉज उसमें क्या हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन इतना वेस्टेज हो जाता है ना, और कभी कैप खुला रह गया तो फिर वो खराब हो जाता है जल्दी, क्रीम में बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको कि आप एक क्रीम के साथ जाइए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज के वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर कोई भी कमेंट है, फीडबैक है, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, सिली से सिली क्वेश्चन है आपके दिमाग में हेयर रिमूवल कैटेगरी को लेके, प्लीज पूछिएगा, बिकॉज बहुत लोग पूछते नहीं हैं, यूज कर लेते हैं ऐसे जगहों पे जहां पे यूज नहीं करना चाहिए और फिर बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, रैश हो जाता है, पिंपल हो जाता है। मेरे चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत लोग डीएम करते हैं कि भैया मैंने फेस पे लगा दिया, देख हो गया मेरे फेस को, अब इसे कैसे ठीक करें। गाइज प्लीज ये गलतियां मत करिएगा, हेयर रिमूवल क्रीम हो, हेयर रिमूवल स्प्रे हो, कभी भी अपने फेस एरिया, नेक एरिया पे नहीं लगाना है। बिलो द नेक आप लगा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर इंटीमेट एरिया पे वो क्रीम नहीं लगाना है तो प्लीज मत लगाइएगा। गाइज मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ अबाउट मिथ्स ऑफ हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रेज और कहाँ कहाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक हेयर रिमूवल क्रीम और स्प्रे को, और कहाँ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो वीडियोज भी आने वाली है। प्लीज उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका अगर कोई गलत फहमी है तो वो दूर हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, अगर नए हैं प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल, और पुराने सब्सक्राइबर्स थैंक यू सो मच, कमेंट मत भूलना कि ये वीडियो कैसा लगा। बाय।